नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ा किसानों का गुस्सा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे करेंगे जाम। यूपी गेट और सिंघू बॉर्डर पर आज भी चलेगा धरना। राजस्थान में बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किल। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुलाई पार्टी की मीटिंग। जयपुर में कृषि बिल पर रणनीति करेंगे तैयार। पीएम मोदी आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोचैम को संबोधित। रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी करेंगे प्रदान। कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बुलाई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक। पार्टी के नाराज सदस्यों को भी न्योता। मिशन पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने बढ़ाए कदम। आज से दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों का विरोध तेज। आज सूबे में अन्नदाताओं के समर्थन में उपवास रखेंगे कांग्रेस नेता। जिला मुख्यालयों पर भी देंगे धरना। हरियाणा में फिर उठा एसवाईएल का मुद्दा। एसवाईएल के पानी की लड़ाई लड़ने जा रही है बीजेपी। आज राज्य में कई जगह धरना देगी पार्टी। रेल यात्रियों को होगी आसानी। रेल मंत्रालय ने किया नई दिल्ली जम्मू तवी बहाल करने का फैसला। आज से दोबारा चलेगी ट्रेन। दिल्ली एनसीआर में सभी जगह खराब श्रेणी में पहुंची हवा। आज से हवा में सुधार होने की संभावना। लोगों को सांस लेने में होगी आसानी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का तीसरा दिन आज। दूसरे दिन गेंदबाजों ने दिखाया दम। भारत के पास 62 रन की कुल बढ़त।